यूट्यूब चैनल धीरज वर्मा एसएससी में आपका स्वागत है। देखते हैं क्लास नाइन्थ एक्सरसाइज 7.3। तो देखते हैं पहला सवाल कह रहा है त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीबीसी एक ही आधार बीसी पर बने दो समद्विबाहु त्रिभुज है। देखिए त्रिभुज एबीसी ये त्रिभुज और त्रिभुज डीबीसी ये त्रिभुज एक ही आधार बीसी पर, देखिए ये बीसी पर ही बना है, बीसी पर ये भी त्रिभुज बना है और ये डीबीसी भी बना है। समद्विबाहु, अब देखिए समद्विबाहु क्या होता है, जिसकी दो भुजाएं बराबर हो। तो इसमें देखिए ये भुजा इस भुजा के बराबर है, कारण क्योंकि देखिए इस बीसी पर ही बना है दोनों त्रिभुज। अब ये भी समद्विबाहु है और ये भी समद्विबाहु है। तो अब देखिए हो सकता था ये इसके भुजा बराबर होती, लेकिन अगले स्टेप में ये इसके तो 100% बराबर नहीं होगी। इसका मतलब ये भुजा इसके बराबर होगी, ठीक, यानी बी डी बराबर होगी सी डी के, और बड़े वाले त्रिभुज में ए बी सी में ए बी बराबर होगी ए सी के, ठीक। फिर कह रहा है कि ए और डी भुजा बी सी के एक ही ओर स्थित है, कि ए और जो डी है भुजा बी सी के एक ही ओर स्थित है। आकृत 7.45 सही है। यदि ए डी बढ़ाने पर, अगर इस ए डी को बढ़ाया जाता है तो बी सी को पी पर प्रतिच्छेद करते हैं, यानी ये जो बी सी रेखा है इसको ये कहाँ पर काटती है, P पर प्रतिच्छेद करें। तो दर्शाइए कि त्रिभुज ABD यानी ये त्रिभुज और त्रिभुज ACD ये त्रिभुज क्या है, सर्वांश। ये हमारा पहला पार्ट, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। तो हम इस पार्ट पर बात करते हैं। तो लिखेंगे त्रिभुज ABD, अच्छे से समझना, त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज ए सी डी में। अब देखिए इसमें देखिए ये जो ए बी भुजा है, यानी जब हम इस त्रिभुज की बात करेंगे तब ये इसमें की भुजा लिखेंगे, और जब इधर बात करेंगे तो इधर। देखिए ये जो ए सी है, इस त्रिभुज की बात करते हैं ए बी डी की, तो ये जो ए सी भुजा ए बी भुजा है, ए बी भुजा बराबर है ए सी के, ठीक। ये क्या है हमारा दिया है। अब दिया कहाँ है, क्योंकि यहाँ पर लिखा है ना कि समद्विबाहु त्रिभुज है, दोनों दो समद्विबाहु त्रिभुज, दो समद्विबाहु, एक तो है ये ए बी सी समद्विबाहु है और एक है डी बी सी समद्विबाहु। फिर कह रहा अगला एक स्टेप और इसमें देखते हैं। हाँ, अब ये जो भुजा दिया है इसमें ये भी समद्विबाहु दिया है, यानी ये बी डी बराबर है, देखिए अच्छे से समझना, बी डी बराबर है सी डी के, ये भी क्या है दिया है। अब देखिए इसमें तीसरा पॉइंट आपको कुछ ऐसा मिल जाए इन दोनों त्रिभुजों में, एक तो त्रिभुज बना है ये वाला और दूसरा त्रिभुज है हमारा ये वाला, इसमें अगर दोनों में कोई कॉमन तो वो मिल जाएगी भुजा ए डी। देखिए अच्छे से समझना, इस त्रिभुज में भी ए डी है और इस त्रिभुज में भी ए डी है, तो लिखेंगे ए डी बराबर है ए डी, ये इधर क्या लिखेंगे ए डी बराबर ए डी, ये है हमारा उभयनिष्ठ यानी दोनों में है, ठीक। अब देखते हैं ये है यस, ये है यस, ये है यस, यस मतलब भुजा भुजा भुजा। अब तीन चीज़ें जो हमको बराबर मिल गई तो हम क्या कर सकते हैं, सर्वांगसम है। अब देखिए त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम है त्रिभुज ए सी डी। अब इसमें क्या होता है, जब सर्वांगसम सिद्ध हो जाता है तो यहाँ पर लिखेंगे एस एस एस, ठीक, नियम द्वारा, एस एस नियम द्वारा, ठीक, ये क्या हो गया सिद्ध, सर्वांगसम। अब इसमें क्या होता है, संगत होता है, संगत मतलब एक त्रिभुज के ऊपर जब दूसरा त्रिभुज रखा जाए तो जो भुजा जिसको ढकेगी वो उसके संगत होती है, तो ए डी तो ए डी को ही ढकेगी और ये सी वाला पार्ट बी के समान हो जाएगा, ठीक, और ए तो कामन, देखिए यहाँ पर समझिए ए की जगह ई लिखा है और बी की जगह सी लिखा है, यानी बी सी वाले पार्ट को ढकेगा और डी डी वाले पार्ट को, ठीक, तो ये हमारा सिद्ध हो गया। अब बात करते हैं इधर ए बी पी, ए बी पी यानी ये वाला त्रिभुज और दूसरा कह रहा है त्रिभुज ए सी पी, ये आपको सिद्ध करना है। तो देखिए इसमें दो कारण हैं, एक तो कारण ये है जब हमारा ये सर्वांगसम सिद्ध हो गया तो ये जो कोण ए, देखिए इसमें ए और इसमें ए, ये दोनों क्या होंगे बराबर, देखिए ये कोण इसके बराबर होगा, ठीक, और ये कोण इसके बराबर होगा और ये कोण इसके बराबर होगा, ठीक, संगत के हिसाब से।
यह हम दूसरा नियम लगा सकते हैं इसमें, देखिए अच्छे से समझना। ए बी पी यानी ये आधा त्रिभुज कह रहा है, ठीक, और ए सी पी यानी ये आधा त्रिभुज कह रहा है, ठीक। तो ये दोनों त्रिभुज लेंगे तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी पी तथा त्रिभुज ए सी पी में। अब देखते हैं इसमें क्या क्या हमारा काम है। ए बी बराबर, देखिए अच्छे से समझना, ए बी बराबर ए सी, ये भी ऑलरेडी दिया था, ये तो ऑलरेडी दिया था। ये जो ए बी भुजा है ये ए सी के क्या है, बराबर है, ठीक। और एक चीज समझिए, जब समद्विबाहु त्रिभुज होता है, अच्छे से समझना क्या होता है समद्विबाहु त्रिभुज, ए बी सी, ये क्या दिया था ऑलरेडी, समद्विबाहु त्रिभुज। तो समद्विबाहु त्रिभुज में अच्छे से समझना, जब ये दो भुजाएं बराबर दी हुई हैं तो इनके सम्मुख कोण भी यानी क्या होंगे, बराबर होंगे, अच्छे से समझना। यानी लिखेंगे हम कोण ए बी सी बराबर होगा कोण ए सी डी के, ठीक। देखिए अच्छे से समझना, ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी और इधर से ए सी पी, यानी ए बी, यहाँ पर बीच में पी खींचा हुआ है, तो लिखेंगे ए बी पी यानी ये कोण बराबर होगा ए कोण ए सी पी, ठीक। कारण क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है ना, समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक। जब समद्विबाहु त्रिभुज है तो उसके दो कोण जब बराबर है तो उसके द्वारा दिए गए सम्मुख कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। अब जब दो चीजें बराबर मिल गए, तीसरा देखिए, तीसरी है इसकी भुजा, देखिए ये त्रिभुज को आप देखिए और इस त्रिभुज को, तो जो ये ए पी भुजा है ये दोनों में है, ठीक। तो लिखेंगे ए पी, देखिए ए पी बराबर है ए पी, वो भी क्या लिखेंगे यहाँ पर, उभय निष्ठ है, ठीक। अब तीन चीजें हमको बराबर मिल गई, देखिए कौन कौन सा, ये भुजा है और ये कोण है और ये क्या है, भुजा। तो इस नियम के अनुसार पर हम लिख सकते हैं त्रिभुज ए बी पी सर्वांगसम है त्रिभुज ए सी पी, यानी ए बी पी ए सी पी, ये क्या होगा, सर्वांगसम। और नियम कौन सा लगा, ये साइड है, ये एंगल है और ये क्या है, साइड, नियम द्वारा। अब देखिए ये चीज सिद्ध हो गया। अब अगला कह रहा तीसरा पार्ट, ए पी जो है कोण ए और कोण डी, यानी ए पी कोण ए और डी को दोनों को समद्विभाजित करता है। तो देखिए जब हमने इसको, ये वाला पहला पार्ट जो हमने यहाँ पर सिद्ध किया था, तो देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे, जब ये सिद्ध हो गया ए बी डी, यानी ये वाला त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज ए बी डी, ये वाला त्रिभुज और ए सी डी, ये वाला त्रिभुज, जब ये क्या सिद्ध हुआ था, सर्वांगसम, तो इसमें संगत कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यानी ये जो अधिक कोण है इस अधिक कोण के बराबर होगा, ठीक, और जो ये कोण है ये वाला, ठीक, भुजा संगत आई थी, तो लिखेंगे ये कोण ए, देखिए अच्छे से समझना, कोण बी ए डी, कोण बी ए डी और सी ए डी, कोण सी ए डी बराबर है, और यहाँ पर लिखेंगे संगत कोण, संगत कोण, ठीक, ये इसमें बराबर है, और ये जो कोण है ये वाला कोण, ठीक। अब देखिए ये कोण कहाँ पर बराबर होगा, ये चीज समझिए, जब ये, अब देखिए मान लेते हैं ये वन कोण है और ये टू कोण है, और ये मान लेते हैं तीन कोण है चार, तो वन किसके बराबर है, टू के, और ये तीन किसके बराबर है, चार के, ठीक। अब बात करते हैं, अब इसको मान लेते हैं कोण पाँच और कोण छः, तो इससे यहाँ पर निष्कर्ष निकालना, देखना अच्छे से समझना, हमें तीसरा पार्ट हल कर रहे हैं, यानी हल थर्ड पार्ट, ठीक। तो हल थर्ड पार्ट जब करेंगे तो यानी कोण थ्री और कोण फाइव दोनों को मिलाकर कितना, 180 अंश, ये बन गया हमारा समीकरण नंबर पहला, ठीक। और कोण चार और कोण पाँच, कोण चार और कोण छः, इन दोनों को मिलाकर 180 अंश आ गया, ये समीकरण नंबर कैसा, सेकेंड। अब देखते हैं जब ये अस्सी अंश, ये अस्सी अंश, इसका देखिए योग 180 अंश होता है, क्योंकि ये क्या है, ए पी क्या है, रैखिक है, और इसका योग भी 180 अंश, तो हम कह सकते हैं कोण थ्री प्लस कोण फाइव इनका योग बराबर कोण फोर प्लस कोण सिक्स। अब देखिए यहाँ पर एक निष्कर्ष, ये जो कोण थ्री और कोण ये निकला था,
यानी कोण वन बराबर कोण टू और कोण थ्री बराबर कोण फोर, ये सब क्या थे, ये संगत कोण होने के का अर्थ है सर, संगत कोण, यहाँ पर हम कह सकते हैं संगत कोण। अब देखिए यहाँ पर समझिए, तो यहाँ पर जो कोण तीन लिखा है तो हम इसको लिख सकते हैं कोण तीन किसके बराबर था, ये इसके बराबर था संगत कोण के कारण, तो ये हमको हो गया कोण चार प्लस कोण पाँच बराबर कोण फोर प्लस कोण सिक्स, तो ये फोर से फोर का कट यानी कोण पाँच और कोण छः क्या है बराबर है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर कोण वन बराबर है कोण टू के, यानी ये कोण बराबर है, यानी कोण ए का क्या हो गया आधा आधा बराबर हो गया, और यहाँ पर भी आ गया कोण पाँच बराबर कोण सिक्स, यानी ये भी कोण आपस में क्या है बराबर है। इसका मतलब ये जो ए पी भुजा है, ए पी कोण ए और डी को समद्विभाजित करती है, समद्विभाजित करती है। ठीक, अब बात करते हैं इस पार्ट नंबर चार के, तो पार्ट नंबर चार समझे, एपी जो है रेखाखंड बीसी का लंब समद्विभाजक है। देखिए लंब समद्विभाजक क्या है, समद्विभाजक तो अच्छे से देखिए, जब हमारा त्रिभुज यहाँ पर हम चौथा यहाँ पर हल करने जा रहे हैं, चौथा अच्छे से समझना, चौथा या हम चौथी के यहीं पर सिद्ध कर दें, तो देखिए चौथा समझिए, ये जो यहाँ पर आ गया था यानी त्रिभुज अच्छे से समझना, ये सर्वांग सम हमारा सिद्ध हुआ था, ये वाला त्रिभुज दूसरा वाला ए बी पी यानी ये त्रिभुज और ए सी पी ये त्रिभुज सर्वांग सम सिद्ध हुआ था, तो इसका मतलब इसके हिसाब से देखिए बी पी और सी पी, तो लिखेंगे बी पी बराबर है सी पी के, बी पी बराबर है सी पी, यानी ये तो समद्विभाजक हो गया संगत भुजा के कारण, समझना, ये सिद्ध हुआ था, ये बी पी ए सी पी सर्वांग सम सिद्ध करना था, तो संगत भुजा देखिए इसके बराबर है और ये तो कॉमन है ही, तो ये भुजा इसके बराबर हो जाएगी ना। ठीक, अब ये तो बराबर हो गया, अब लंब समद्विभाजक समझिए, अगर इन दोनों कोणों का योग 90 यानी इन दोनों कोण 90-90 आ जाए, इसका मतलब लंब है, तो देखिए अच्छे से समझना, तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे ए पी बी, ए पी बी बराबर है ए पी सी, ए पी सी ये दोनों कोण क्या है बराबर है, यहाँ पर लिख देंगे संगत कोण। ठीक, अब ये भी है, ये संगत भुजा है, अब एक चीज समझते हैं, जब ये संगत कोण आपस में बराबर है तो लिखेंगे ए पी सी, देखिए समझना, ए पी बी यानी ये कोण और ए पी सी यानी ए पी सी ये कोण, इन दोनों का योग कितना होता है 180। अब यहाँ पर ये दोनों कोण आपस में क्या है बराबर है, तो एक की जगह हम दूसरा लिख सकते हैं, देखिए ए पी बी की जगह हम लिख सकते हैं ए पी सी, यानी कोण ए पी सी प्लस कोण ए पी सी बराबर 180 अंश, तो यह हो जाएगा टू कोण ए पी सी बराबर 180 अंश, तो कोण ए पी सी बराबर कितना हो जाएगा 180 अंश बटे टू, यानी कितना आ गया 90 अंश। अब ए पी सी 90 अंश, ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया लंब समद्विभाजक, तो हम कह सकते हैं चौथे पार्ट में ए पी रेखाखंड जो है, ए पी रेखाखंड लंब समद्विभाजक है, लंब समद्विभाजक लंब तो है 90 अंश और समद्विभाजक यानी समान दो भाग है, यानी बी पी और पी सी क्या है बराबर है समद्विभाजक है। ठीक, इसी में आप अच्छे से थोड़ा वो समझ लेना, कह रहा है ए डी एक समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी, अब देखिए समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी, तो ये हमारा चित्र नहीं बना है, हम इसको बना लेंगे, अच्छे से समझ लीजिए, ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ए डी एक समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी का एक शीर्ष लंब है, शीर्ष लंब होता है जो शीर्ष से यानी यहाँ से इस भुजा पर लंब डाला जाता है, तो लंब कैसे डाला जाता है, यहाँ पर प्रकार की नोक रखेंगे और यहाँ पर पेंसिल से दो जगह चाप लगा देंगे, अब ये जो चाप लगा है इसका अर्धक कर लेंगे यानी आधे से ज़्यादा दूरी लेकर, ठीक, और ये काट देंगे, ये होता है लंब संध, तो ये होता है शीर्ष से डाला गया लंब, लंब होता है 90 अंश का कोण। ठीक, अब बात करते हैं जिसमें ए बी बराबर ए सी दिया है, ए बी बराबर ए सी किसमें, ए बी सी एक शीर्ष लंब है यानी त्रिभुज ए बी सी का शीर्ष लंब है ये ए डी, और जो समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी, ए बी सी जिसमें ये जो ए बी बराबर है ए सी के। ठीक,
अब दर्शाना है कि AD रेखाखंड BC को समविभाजित करता है। ये जो AD है यानी ये रेखा AD जो है AD रेखाखंड BC को समान दो भागों में बांटता है। ये हमारा पहला सवाल है। और दूसरा कह रहा है AD जो रेखा है कोण A को समविभाजित करता है। हाँ, तो अब देखिए यहाँ पर हमारे दो त्रिभुज हैं। तो देखिए दो त्रिभुज कौन कौन से हैं? एक तो है ADC या हम कह सकते हैं ABD। देखिए अच्छे से समझना, त्रिभुज ABD एक त्रिभुज ये तथा दूसरा त्रिभुज ABD ये पहला है, तो ACD दूसरा त्रिभुज, त्रिभुज ACD में। ठीक, तो पहले बात करते हैं AB में, ABD में। तो ये जो AB भुजा है, AB भुजा बराबर दी हुई है AC के, ऑलरेडी यहाँ पर दी हुई है AC के, तो हम यहाँ पर लिख देंगे दिया है। ठीक, ये हमारा दिया है। और एक दूसरी चीज दी है ये 90 अंश का कोण, क्योंकि यहाँ पर लिखा है ना AD एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC का एक शीर्ष लंब है। ABC ये जो त्रिभुज है उसका शीर्ष से डाला गया लंब है 90 अंश का। तो लिखेंगे कोण ADB, कोण ADB बराबर कोण ADC बराबर 90 अंश। तो यहाँ पर लिख देंगे शीर्ष लंब होने के कारण ADB यानी ये कोण और ADC ये कोण, ये दोनों 90-90 अंश के क्या है, बराबर। अब दो चीज़ें तुमको बराबर मिल गई। अब तीसरा देखिए वो क्या है, ये वो तीसरा ये है जो AD भुजा है दोनों त्रिभुजों में है। तो लिखेंगे AD बराबर है AD। ठीक, AD ये क्या है, उभयनिष्ठ मीन्स होता है दोनों में। अब जो तीन चीज़ें हमको बराबर मिल गई तब हम कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांग सम है। यानी एक दूसरे के ऊपर त्रिभुज रखेंगे तो ढक लेगा। तो लिखेंगे त्रिभुज ABD सर्वांग सम है त्रिभुज ACD के। और नियम कौन सा लिखेंगे, देखिए ये है भुजा S, ये है कोण एंगल, ये है भुजा S, यस ए यस नियम द्वारा। ठीक, ये क्या सिद्ध हो गया, सर्वांगसम है। अब जब सर्वांगसम सिद्ध हो गया तो सर्वांगसम सिद्ध हो जाने पर संगत कोण और संगत भुजाएं एक दूसरे के क्या होती है, बराबर होते हैं, जिसे कहते हैं CP CT। ठीक, या संगत भुजा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर समझना कौन किसके बराबर होगा। अब देखिए सबसे बड़ी भुजा कौन है, ये तो ऑलरेडी पहले से बराबर दिया ही है AB बराबर AC। और ये जो AD है ये तो ऑलरेडी बराबर होगा दोनों में, इधर और इधर। अब यानी ये जो ये भुजा है BD बराबर CD, देखिए अच्छे से समझना, BD बराबर होगी CD के। ठीक, और यहाँ पर क्या लिख देंगे, संगत भुजा होने के कारण, संगत भुजा। अब संगत भुजा में देखिए अच्छे से समझना, ये बड़ी भुजा सबसे है तो इस बड़ी भुजा के बराबर होगी, ये जो बीच वाली भुजा AD है इसमें भी है और इसमें भी है, तो ये जो भुजा है तो ये BD और BC क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो ये हमारा पहले सवाल का आंसर भी हो जाएगा, रेखा AD जो है रेखाखंड BC को समविभाजित करता है। ये जो AD आ रही है तो रेखाखंड ये जो BC इसको समान दो भागों में बांटती, देखिए BD और CD ये समान दो भाग हो गए। तो यहाँ पर लिख देंगे पहला पार्ट, रेखाखंड AD रेखाखंड AD BC को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। अब बात करते हैं आगे, एक AD जो है ये रेखा कोण A को समद्विभाजित करता है, वो देखिए कैसे, जब संगत भुजाएं और संगत कोण बराबर होंगे। देखिए ये 90 अंश किसके बराबर हो गया, ये इसके बराबर हो गया। और जब ये भुजा बराबर है तो इसके संगत कोण, संगत कोण देखिए यानी इस भुजा के सामने ये कोण और इस भुजा यानी इस भुजा के सामने ये कोण, ये भी कोण आपस में क्या होंगे, बराबर लिखेंगे। देखिए अच्छे से समझना, AB बराबर है AC के तो कोण B बराबर होगा कोण C के, यानी कोण B बराबर होगा कोण C के, यानी इस AB का नाम क्या होगा, ABD देखना समझना, कोण ABD बराबर होगा कोण ACD के। और इसमें एक बराबर दिया है ये कोण, एक इस कोण का नाम क्या है, ADB कोण ADB बराबर कोण ADC
बराबर 90 अंश। अब दो कोण बराबर हो गए, अब तीसरा कोण कौन सा, देखिए ये इसके बराबर हो गया, ये कोण इसके बराबर हो गया, तो ये कोण किसके बराबर होगा, इसके, यानी बी ए डी, तो इधर से जाएंगे सी ए डी बराबर होगा, ठीक। कारण क्या है, संगत कोण होने के कारण, संगत कोण। अब देखिए यहाँ पर जब ये बराबर सिद्ध हो गया, अर्थात ये जो ए डी रेखा है कोण ए को संविभाजित करता है, सेकेंड पार्ट का आंसर ये हो जाएगा, ए डी जो ए डी है कोण ए को समविभाजित करता है, यानी समान दो भागों में बांटता है, समविभाजित करता है। हमारे दोनों सवाल प्रूव्ड हो गए। अच्छे से समझना, एक त्रिभुज ABC की दो भुजाओं AB और BC तथा मध्यिका AM, मध्यिका AM क्रमशः मीन्स होता है क्रम से, क्रम मतलब समझना अच्छे से, एक दूसरे त्रिभुज की भुजाओं, एक दूसरा त्रिभुज PQ QR तथा मध्यिका PN के बराबर है। देखो बराबर कह रहा है लेकिन क्रमशः मतलब होता है क्रम से। देखिए इसमें, जब हम पहला भुजा AB लेंगे और फिर ABC ले लेंगे, मान लो ये ABC ले लिया हमने, तथा मध्यिका AM, मध्यिका AM को हमने मान लिया इस वर्ड से लिखा, ठीक। एक दूसरे त्रिभुज की भुजाओं PQ, देखिए पहले AB इसमें था और इसमें पहला क्या है PQ, फिर कह रहा है QR, देखिए इसमें BC था और इसमें ये QR, ठीक, और फिर कह रहा है मध्यिका PN, ये मध्यिका जो PN है क्रमशः बराबर, यानी AB BC AM मध्यिका, और इधर PQ QR PN मध्यिका के बराबर है। तो अब हमको दर्शाना है कि त्रिभुज ABM यानी ये वाला त्रिभुज और त्रिभुज PQN यानी ये वाला त्रिभुज क्या है, सर्वांगसम है, और दूसरा कह रहा है ये त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR क्या है, सर्वांगसम है। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे, देखिए अब इसमें बात करते हैं, तो लिखेंगे त्रिभुज ABM यानी ABM तथा त्रिभुज PQN में, अब देखते हैं इन दोनों त्रिभुजों में बात करेंगे। तो देखिए लिखेंगे सबसे पहले ABM में AB जो है बराबर होगी PQ के, ये तो ऑलरेडी क्या है, ऑलरेडी दिया है, ठीक। हाँ, और एक चीज अब देखते हैं, ये जो AM है इसमें देखिए अच्छे से समझना, इसकी यानी ABM ये जो मध्यिका AM है बराबर मध्यिका PN ये भी ऑलरेडी क्या है, दिया है, ठीक। यानी AB बराबर है, अब बात करते हैं तीसरा एक पॉइंट समझते हैं, मध्यिका देखिए लिखेंगे यहाँ पर, या हम चलो यहाँ पर लिख लेते हैं मध्यिका AM, ठीक। अब मध्यिका का मतलब ये होता है, ये जो मध्यिका होती है ये मध्य मतलब होता है ठीक बीचों बीच में होती है, इसका मतलब मध्यिका अगर AM है तो ये हो जाएगा BM बराबर होगा MC के, BM बराबर होगा CM के, अच्छे से समझना, BM बराबर होगा CM के। और अगर बात करें BC की, ठीक, तो ये जो BC होगा अच्छे से समझना, BC यानी टोटल पार्ट क्या हो जाएगा, अच्छे से समझना, BC यानी पूरा पार्ट, ठीक। तो BC जो होगा वो जो होगा BM प्लस CM के बराबर होगा, ठीक। और इसमें जो होगा यहाँ पर है मध्यिका, अच्छे से समझना, इसमें मध्यिका का नाम है PQ, तो ये इसमें ये मध्यिका मतलब होता है मध्य बीचों बीच में, इसका मतलब ये जो QN बराबर होगा RN के, और या QR यानी ये जो टोटल QR क्या होगा QN प्लस RN के बराबर होगा। अब देखिए हमारा दिया क्या है, ये जो BC है, ये जो BC है देखिए यहाँ पर लिखा है BC, तो ये किसके बराबर है QR, यानी ये जो BC है QR के बराबर है, BC बराबर QR के क्या है बराबर, इसको यहाँ पर लिख देंगे, ये क्या है ऑलरेडी दिया है। अब BC का मान ये देखिए, ये है हमारा
बी एम प्लस सी एम और क्यू आर का मान है क्यू एन प्लस आर एन। ठीक, अब देखिए यहाँ पर अच्छे से समझना, ये बी सी हो गया बी एम और सी एम, बी एम सी एम और क्यू आर हो गया क्यू एन और आर एन। अब देखिए यहाँ पर बी एम और सी एम ऑलरेडी यहाँ पर क्या है, बराबर है, तो हम सी देखिए बी एम हमने लिखा और सी एम की जगह भी हम लिख सकते हैं बी एम, और यहाँ पर समझिए क्यू एन और आर एन के बराबर, आर एन की जगह पर भी हम लिख सकते हैं क्यू एन, तो यहाँ पर लिखेंगे टू बी एम बराबर टू क्यू एन, यानी बी एम बराबर क्या हो गया क्यू एन। ठीक, अब जब तीन चीज़ें हमारी बराबर हो गई, देखिए अच्छे से समझना, ये भुजा और ये भुजा और ये भुजा यहाँ पर भी आ गई, यानी ये भुजा और ये भुजा क्या आ गए बराबर, इसका मतलब हम कह सकते हैं त्रिभुज ए बी एम सर्वांगसम होगा त्रिभुज ए सॉरी ए नहीं त्रिभुज पी क्यू एन के। ठीक, सर्वांगसम हो गया, ये हमारा पहला तो हो गया प्रूफ। अब जब बात करते हैं दूसरे की, दूसरा क्या है, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में, तो हम यहीं पर से स्टार्ट कर देंगे, तो देखिए अच्छे से समझना, तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में। अब देखिए ए बी बराबर है, यानी ए बी बराबर है पी क्यू के, ये हमारा क्या है ऑलरेडी दिया है। ठीक, और दूसरा क्या दिया है, ये जो बी सी है बी सी बराबर हो जाएगा किसके क्यू आर के, ये भी दिया है। ठीक, अब तीसरा पॉइंट देखिए अच्छे से समझना, अगर हमारा त्रिभुज ये वाला ए बी एम और ए क्यू एन सर्वांगसम सिद्ध हो चुका है यहाँ पर, तो अब हम कह सकते हैं संगत कोण जो होंगे वो क्या होंगे बराबर होंगे, तो संगत कोण कौन सा, यानी ये जो कोण इसमें का बी और इसमें का, यानी यहाँ पर हम देखें बीच में लिखा है, तो लिखेंगे कोण बी बराबर होगा कोण क्यू के, और भी ये क्या है संगत कोण होने के कारण। ठीक, यानी ये त्रिभुज इस त्रिभुज के ऊपर रखेंगे तो कौन सा त्रिभुज किसके संगत होगा, अब कोण ए इसके संगत होगा सिर्फ इतने के, ठीक, और ये यम जो है इतना यन के संगत होगा, और ये जो बी है किसके संगत होगा कोण क्यू के संगत होगा, तो हम कह सकते हैं ए बी यम कह सकते हैं या ए बी सी, ए बी सी ए बी सी यानी ये कोण, और इधर कह सकते हैं पी क्यू आर त्रिभुज पी क्यू आर ये कोण बराबर होगा। ठीक, अभी क्या लिखेंगे संगत होने के कारण है बराबर संगत कोण। अब जो तीन चीज़ें हमको बराबर मिल गई तो हम कह सकते हैं देखिए ये भुजा है और ये भुजा है और ये कोण है, तो हम कह सकते हैं त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज पी क्यू आर के, और कारण क्या लिखेंगे, ये है भुजा यानी यस, ये है भुजा और ये क्या है कोण इस नियम के द्वारा, एस एस ए नियम द्वारा ये क्या हो गया सर्वांगसम सिद्ध हो गया। पर चार, बी ई और सी एफ एक त्रिभुज ए बी सी के दो बराबर शीर्ष लंब है। अब देखिए अच्छे से बना लेना, ए बी सी, ठीक, ए बी सी के दो बराबर शीर्ष लंब है बी ई, देखिए समझे बी ई, ठीक, यानी ये, ठीक, और सी एफ यानी ठीक ये शीर्ष लंब है, शीर्ष से डाला गया लंब यानी 90 अंश का, आप किसी भी प्रकार से बना लिया, तो ये हो गया बी ई और ये हो गया सी एफ। ठीक, आर एच एस, ये आर एच एस क्या है, ये होता है राइट एंगल और हाइपोटेनियस यानी कर्ण और ये साइड भुजा, इस नियम के सर्वांगता के नियम से का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो देखिए सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, जब इसको हल करेंगे तो सबसे पहले हमको सिद्ध करना है ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, लेकिन उससे पहले हम कुछ सर्वांगसम सिद्ध कर लेंगे, देखिए समझिए अच्छे से, त्रिभुज अगर हम ले लें बी ई सी, त्रिभुज बी ई सी तथा बी ई सी सी एफ बी, त्रिभुज
सी एफ बी में। अब समझना अच्छा से, एक त्रिभुज हमने ले लिया बी ई सी और दूसरा ले लिया हमने, देखिए ये कर्ण से चले हैं हमने, बड़ी भुजा से चला है बी ई सी और तो इसमें भी हम चला हमने सी एफ बी में। अब देखिए इसमें दो जो चीज़ बराबर मिल जाए, तो जो चीज़ बराबर में ये देखिए दिया है बी ई और सी एफ, पहली बात तो शीर्ष लंब दिया हुआ है लेकिन यहाँ पर कह रहा है राइट एंगल, राइट एंगल पहले लिखना है यानी आपको समकोण वाला लिखना है। तो वो देखिए बी ई सी में जब बात करेंगे बी ई सी में तो लिखेंगे कोण बी ई सी, बी ई सी यानी ये कोण बराबर है सी एफ बी के, कोण सी एफ बी के बराबर 90 अंश यानी राइट एंगल, इसे कहते हैं आर। ये हो गया आर हमारा राइट एंगल हो गया ठीक। और ये यहाँ पर लिख देंगे क्या है, ये दिया है क्योंकि यहाँ पर लिखा है शीर्ष लंब, ये ऑलरेडी क्या है दिया है। फिर बात करते हैं यच हाइपोटेनियस, ये क्या होता है कर्ण होता है। तो कर्ण क्या होता है, समकोण के सामने जो भुजा दी होती है वो होती है कर्ण, अच्छे से समझना। ये समकोण है 90 अंश का, तो जब हम बात करेंगे इस त्रिभुज की यानी बी ई सी में, बी बी ई सी में ठीक, तो इसमें कर्ण कौन सी होगी, ये बी सी ठीक। और जब इस वाले त्रिभुज में बात करेंगे तो इसमें कर्ण कौन सी होगी, इसमें भी यही कर्ण है। अब देखिए यहाँ पर पहले जब बात करते हैं बी ई सी में, तो इसमें जो ये बी सी होगा बराबर होगा, जब इस वाले त्रिभुज में बात करेंगे तो सी बी के। अब देखिए यहाँ पर कार्ड समझना, देखिए ये जो बी सी है ये उभयनिष्ठ है इस वाले त्रिभुज में भी और इस वाले त्रिभुज में भी ठीक, उभयनिष्ठ है। लेकिन यहाँ पर हमने बी सी बराबर सी बी क्यों लिखा, देखिए अच्छे से समझना, बी सी ठीक, तो यहाँ पर बी का जगह क्या लिखा है सी बी, देखिए बी की बी स्टार्टिंग पॉइंट है और फिर लास्ट पॉइंट सी है, और इसमें स्टार्टिंग पॉइंट सी है लास्ट पॉइंट बी, यानी बी सी को लिखेंगे सी बी और यहाँ पर लिखेंगे उभयनिष्ठ ठीक। ये है उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ ठीक। हाँ और एक कारण यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं, अब यहाँ पर हमने जो बताया था आर यच, अब वो यच क्या है हाइपोटेनियस है और ये आर क्या था राइट एंगल था। अब कोई साइड एक भुजा ले लेते हैं जो कामन हो, तो वो कामन नहीं है लेकिन ये दिया हुआ है, देखिए अच्छे से समझना बी ई बी ई सी एफ सी एफ, देखिए बी की जगह यहाँ पर सी है तो बी की जगह यहाँ पर क्या लिखा है सी और ई की जगह एफ, ये भी क्या है यहाँ पर दिया हुआ है बी ई और सी एफ एक त्रिभुज ए बी सी के दो बराबर शीर्ष लंब है, यानी ये ऑलरेडी बराबर दिया हुआ है, यहाँ पर लिख देंगे दिया है ठीक, बराबर शीर्ष लंब यहाँ पर लिख देंगे बराबर शीर्ष लंब ठीक। अब देखते हैं अब तीन चीज़ें जब हमको बराबर मिल जाती हैं तो इसका मतलब त्रिभुज बी ई सी, त्रिभुज बी ई सी सर्वांगसम है त्रिभुज। अब देखिए बी की जगह यहाँ पर सी लिखा है सी और ई की जगह एफ और सी की जगह बी, देखिए अच्छे से समझना बी ई सी यानी ये त्रिभुज सी एफ बी यानी इस त्रिभुज के सर्वांगसम है और यहाँ पर रूल के अनुसार लिखेंगे राइट एंगल हाइपोटेनियस और ये भुजा साइड सर्वांगसमता का नियम या नियम दोष, सर्वांगसम नियम या सिर्फ कह सकते हैं आरएचएस का नियम ठीक, सर्वांगसमता का नियम द्वारा ठीक। अब ये चीज जब हमारी हो गई सर्वांगसम सिद्ध हो गई, हाँ अब हम आते हैं मेन पॉइंट पर, हमको सिद्ध करना था त्रिभुज एबीसी जो है एक समद्विबाहु त्रिभुज है, एबीसी जो है एक समद्विबाहु त्रिभुज है। हाँ तो अब एक चीज समझिए, जब ये चीज सर्वांगसम सिद्ध हो गई तो देखिए समझना बी ई सी यानी ये जो कोण है इसमें का ठीक, अब कोण सी इसमें का देखिए हमने बताया था सी किसके बराबर है बी के, यानी कोण सी बराबर है कोण बी के, हमने बताया था सी किसके बराबर है बी के, देखिए यहाँ पर जो भी समझिए अगर ये कोण है तो ये इस कोण के बराबर होगा, देखिए कैसे यानी ये जो कोण सी है इसमें का कोण बी के बराबर है, और वो भी नियम कौन सा लिखेंगे संगत कोण, संगत कोण। अब देखिए जब ये कोण बराबर है
तो इसके आगे पीछे की भुजा लिख देंगे। देखिए अच्छे से समझना, कोण ये जो सी है, अब देखिए ये जब कोण सी लिखेंगे तब लिखेंगे बी सी ई, बी सी ई बराबर है, अब देखिए बी की जगह हम लिखेंगे सी, देखिए अच्छे से समझे, सी बी एफ, सी बी एफ लिखने का देखिए तरीका समझिए, बी की जगह क्या है, बी की जगह देखिए यहाँ से बी स्टार्ट हुआ तो यहाँ पर सी लिखा है, तो बी की जगह सी, इसमें पहला पॉइंट बी है, इसमें पहला अक्षर सी है, फिर इसमें पहला अक्षर सी है, देखिए यहाँ पर सी लिखा है, सी की जगह क्या लिखेंगे बी, तो यह बी चौला सी है तो इसकी जगह बी, फिर ई देखिए यहाँ पर लिखा है, ई की जगह क्या लिखा है यहाँ पर यफ, तो ई की जगह यफ, ठीक। अब ये दो हमारे कोण आ गया, ये क्या लिखेंगे संगत कोण। अब बात करते हैं, हाँ अब बात करते हैं त्रिभुज एबीसी में, अच्छे से समझ लीजिए, ये त्रिभुज ए है और ये बी है, ये सी है, ये त्रिभुज बना है, तो ये बी और सी क्या हो गया बराबर कह रहा है यहाँ पर, यानी इसमें का ये सी और इसमें का ये जो बी है ये आपस में क्या है संगत कोण है। देखिए अच्छे से समझना, इसमें का है सी और इसमें क्या है बी, अब ये हमारा संगत हो गया, तो अब ये परमेय होती है जब ये कोण है तो इनके सम्मुख भुजाएं, अगर ये कोण दोनों बराबर हैं तो इनके सम्मुख भुजाएं भी बराबर होंगी, अर्थात ए बी, ए बी इसके सम्मुख भुजा कौन सी है ए बी, और इसके सम्मुख भुजा कौन है ए सी, ए बी बराबर ए सी, ठीक, सम्मुख भुजा या सम्मुख कोण के सामने की भुजा, सम्मुख कोण की भुजाएं, ठीक, यदि किसी त्रिभुज की दो कोण बराबर हैं तो उनके सम्मुख कोण की भुजाएं भी बराबर होंगी, और जब बराबर हो गई अर्थात त्रिभुज ए बी सी हमारा समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। पांच कह रहा है ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, देखिए अच्छे से समझना, ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर है मान लेते हैं, और यहां पर दिया भी है जिसमें ए बी बराबर है सी, ए बी बराबर है ए सी के, तो कह रहा है ए पी जो है लंब है बी सी खींचकर, देखिए बी सी पर हमको ए पी एक लंब खींचना है, लंब देखिए कैसे डाला जाता है, यहां से इस पर चाप लगा लिया जाता है और फिर इस चाप का अर्धक यानी आधे से ज्यादा दूरी लेकर किया जाता है इस प्रकार से, यानी ये हो गया प्लान, तो ये हमारा ए पी जो है, ए पी जो है लंब है, लंब मीन्स होता है 90 अंश का कोण बनाता है दोनों तरफ इधर भी और इधर भी, खींच कर दर्शाइए कि कोण बी और कोण सी ये क्या है बराबर है। अब देखिए एक परमेय के कारण, एक परमेय ऐसी है उसमें तो ये ऑलरेडी सिद्ध हो गया डायरेक्ट, जैसे अगर ये भुजाएं बराबर हैं तो इनके सम्मुख कोण यानी ये कोण और इसके सम्मुख कोण ये कोण, ये कोण भी आपस में बराबर होते हैं, यानी ये कोण सी और ये बी आपस में क्या होंगे बराबर होंगे, लेकिन इस नियम से ना, यानी आप थोड़ा एक दो चार लाइनें बढ़ा दीजिए, तो देखिए यहाँ पर देखिए दो त्रिभुज बन गए, त्रिभुज हम लिखेंगे त्रिभुज ए पी बी या ए बी पी कुछ भी कह सकते हैं, ए पी बी तथा ए पी सी, त्रिभुज ए पी सी में, ठीक। अब देखिए यहाँ पर समझिए, अब दो त्रिभुज अलग अलग हो गए, एक तो हो गया ये वाला ए पी बी और एक हो गया ए पी सी, अब बात करते हैं जब इसमें, तो ए बी देखिए इसमें यानी इस त्रिभुज में ए बी और इस त्रिभुज में ए सी, ए बी बराबर है ए सी, अभी ये क्या है ऑलरेडी दिया है, ठीक। और दूसरा कोण पर बात करते हैं, ए पी बी, ए पी बी बराबर है कोण ए पी सी के, ए पी बी यानी ये 90 अंश और ए पी सी यानी ये भी 90 अंश, बराबर 90 अंश, तो लिखेंगे यहाँ पर क्या, ए पी जो है शीर्ष लंब है, यानी हम कह सकते हैं ए पी जो है शीर्ष लंब है किस पर बी सी पर, इस पर शीर्ष लंब है इसी के कारण, अब ये हमारा ये कोण 90 अंश आ गया। हाँ अब बात करते हैं
तीसरा कुछ ऐसा बराबर मिल जाए जिसे हम सर्वांगसम सिद्ध कर सके, तो वो है हमारा एपी। एपी दोनों त्रिभुजों में, जब इस त्रिभुज को बनाएंगे उसमें भी एपी ए भुजा आएगी, और जब ये त्रिभुज बनाएंगे उसमें भी एपी आएगी। तो लिखेंगे एपी बराबर है एपी के, वो भी यहाँ पर क्या लिखेंगे, उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ में होता है दोनों में। अब देखिए हमको तीन चीज़ें बराबर मिल गई, एक तो यहाँ पर भुजा है, ये कोण है, ये भुजा है, तो कह सकते हैं त्रिभुज ए बी पी कह लीजिए या कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन देखिए इधर जब लिखेंगे हम ए बी पी तो सर्वांगसम होगा, तो इसी के हिसाब से लिखेंगे। देखिए ए ए पी, देखिए ए पी ए और पी, तो ए पी जो है, देखिए ए पी है तो ए पी ही लिखा है, और बी की जगह देखिए क्या लिखा है, बी की जगह सी लिखेंगे। देखिए कहीं पर भी देखिए बी की जगह क्या लिखा है, सी। देखिए यहाँ पर देखिए बी की जगह क्या लिखा है, सी। ठीक, तो ए सी पी, त्रिभुज ए सी पी क्या है, सर्वांगसम है। और रूल कौन सा लिखा है, लिखेंगे ये है साइड और ये क्या है एंगल, और ये है साइड नियम द्वारा, ये हमारा क्या आ गया, सर्वांगसम। अब सर्वांगसम जो जब आ गया तो संगत भुजाएं और संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब देखिए ये समकोण के सामने वाली भुजा क्या है, कर्ण, और इसके सामने वाली कर्ण, यानी कर्ण कर्ण के बराबर होगी, और ये लंब लंब के बराबर होगी, और ये जो आधार है आधार के बराबर होगी। ठीक, समझिए अच्छे से, सबसे बड़ी भुजा कर्ण, कर्ण के बराबर ये ए बी और ए सी के बराबर है, और ये जो लंब है ये लंब दोनों में ऑलरेडी बराबर था, तो ये जो आ गया ठीक ये क्या होगा, बराबर होगा। तो लिखेंगे कोण बी और कोण सी के बराबर, यानी और कोण भी बराबर होंगे, देखिए ये इसके बराबर होगा संगत, और ये कोण इसके बराबर होगा, और ये जो बी होगा ये किसके बराबर होगा, सी के। तो लिखेंगे कोण, अब देखिए इसमें कोण समझ लीजिए, अब जब हमने त्रिभुज संगत हो यानी त्रिभुज सर्वांगसम हो गया तो कोण भी देखिए कैसे, ए बी पी, ए बी पी बराबर होगा ए सी पी के, ए सी पी यानी कोण, ठीक, यानी कोण बी बराबर हो गया कोण सी के। यहाँ पर कौन सा नियम लिखेंगे, संगत कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। एक्सरसाइज 7.3 दाइन, अगर वीडियो कहीं पर भी थोड़ा बहुत अच्छा लग जाए तो प्लीज़ लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो हो सके तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक सब्सक्राइब करने के लिए आपका प्रेम पूर्वक धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।